एकदा सुखमासीनं शंकरं लोकशंकरं पप्रच्छ गिरिजाकांतं कर्पूरधवलं शिवं। पार्वती उवाच भगवन् देवदेवेश लोकनाथ जगद्गुरो शोकाकुलानां लोकानां केन रक्षा भवेत् ध्रुवं। संग्रामे संकटे घोरे भूत प्रेतादिके भये दुःखदावाग्नि संतप्तं चेतसां दुःखभागिनां। ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया विभीषणाय रामेण प्रेम्णा दत्ते च यत्पुरा कवचं कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः गुह्यं ते संप्रवक्ष्यामि विशेषाच्छृणु सुन्दरी। अथ विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमत्कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महावीरो हनुमान देवता मरुतात्मज इति बीजम्। ओम अंजनी सूनुरिति शक्तिः। ओम ह्रीं ह्रीं रों इति कवचम्। ओम स्वाहा इति कीलकम्। लक्ष्मण प्राणदाता इति बीजम्। मम सकल कार्य सिद्धर्थे जपे विनियोगः। ओम अथन्यासः। ओम राम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम रूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः। ओम रूं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम रह करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। ओम अथ हृदयादिन्यासः। ओम अंजनी सूनवे हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुसुतात्मने शिखायै वषट्। ओम वज्रदेहाय कवचाय हुम्। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वोषट्। ओम ब्रह्मास्त्रनिवारणाय अस्त्राय फट्। रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम हूं फट् इति दिग्बन्धः। बाल दिवाकर द्युति निभम्
देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुख प्रशस्त यशसम् देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादि समस्त वानरयुतं सुव्यक्त तत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतं उद्यन्मार्तंडकोटि प्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौंजीयज्ञोपवीता भरणरुचिशिखा शोभितं कुंडलाढ्यं भक्तानामीष्टदन्तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देवं विधेयं प्लवगकुलपतिं गोष्पदीं भूतवार्धिम् वज्रांगं पिंगकेशाढ्यं स्वर्णकुंडलमंडितं नियुद्धकर्मकुशलं च पारावारपराक्रमं वामहस्ते महावृक्षं दशास्य करखंडनं उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजेत् उद्यदादित्यसङ्काशं उदारभुजविक्रमम् दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहं अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मरुतात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते राम पूजित प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यो वारान्निधिमल्पपल्वलमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठतत्त्वप्रियः अक्षाद्युर्जित राक्षसेश्वर महादर्पापहारीरणे सोऽयं वानरपुङ्गवो वतु सदा युष्मान् समीरात्मजः वज्रांगं पिंगकेशं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रांतगण्डं नानाविद्याधिनाथं करतलविद्रुतं पूर्णकुंभं दृढं च भक्ताभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सर्वदा सुप्रसन्नम् त्रैलोक्यत्राणकारं सकलभुवनगं रामदूतं नमामि उद्यल्लाङ्गूलकेशं प्रचयजलधरं भीममूर्तिं कपीन्द्रं वन्दे रामाङ्घ्रिपद्म भ्रमरपरिवृतं तत्त्वसारं प्रसन्नम् वज्रांगं वज्ररूपं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रांतगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविकटं भूतरक्षोधिनाथम् करे वैरिभयं वहन्तं
वृक्षे निजकण्ठलग्नं दधानमासाद्य सुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलरामदूतम्। पद्मरागमणिकुण्डलद्विषा पाटलीकृतकपोलमण्डलम् दिव्यदेवकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। ईश्वर उवाच इति वदति विशेषाद् राघवो राक्षसेन्द्रम् प्रमुदितवरचित्तो रावणस्यानुजो हि रघुवरवरदूतं पूजयामास भूयः स्तुतिभिरतिकृतार्थं स्वं परं मन्यमानः। वन्दे विद्युद्वलयसुभगं स्वर्णयज्ञोपवीतम् कर्णद्वन्द्वे कनकरुचिरे कुण्डलं धारयन्तम् उच्चैरुष्यद्युमणिकिरणैः श्रोणिसम्भाविताङ्गम् सत्कौपीनं कपिवरवृतं कामरूपं कपीन्द्रम्। भगवते हृदयाय नमः। ॐ आञ्जनेयाय शिरसे स्वाहा। ॐ रुद्रमूर्तये शिखायै वषट्। ॐ रामदूताय कवचाय हुम्। ॐ हनुमते नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ अग्निगर्भाय अस्त्राय फट्। ॐ नमो भगवते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ वायुसूनवे तर्जनीभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये मध्यमाभ्यां नमः। ॐ वायुसूनवे अनामिकाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ मन्त्र उच्यते। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रूं ह्रैं ह्रूं ह्रः। ॐ ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय भूतप्रेतपिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी भूतनामारि महामारि यक्षराक्षसभैरव वेतालग्रहराक्षसादिकं हन हन भञ्जय भञ्जय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वर रुद्रावतार हुं फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु। रां ह्रीं ह्रूं ठं ठं ठं
फट स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनी गर्भसंभूताय राम लक्ष्मणानंदकाय कपिसैन्य प्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीव साधकाय रणोच्चाटनाय कुमार ब्रह्मचारिणे गंभीर शब्दोदयाय ओम ह्रीं ह्रीं रूं सर्वदुष्ट निवारणाय स्वाहा। हनुमते सर्वग्रहान् भूत भविष्यद्वर्तमानान् दूरस्थान् समीपस्थान् सर्वकाल दुष्ट दुर्बुद्धिन् उच्चाटय उच्चाटय परबलानि क्षोभय क्षोभय मम सर्वकार्यं साधय साधय हनुमते। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट देहि। ओम शिवं सिद्धिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ओम स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकृत यंत्र मंत्र पराहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्व विघ्न दुर्जन चेटक विद्या सर्वग्रहान् निवारय निवारय वद वद पच पच दल दल किल किल सर्वाणि कुयंत्राणि दुष्टवाचं फट स्वाहा। पाहि पाहि एहि एहि सर्वग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्व विषयानाकर्षय मर्दय मर्दय भेदय भेदय मृत्युम् उत्पाटयोत्पाटय शोषय शोषय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल भूतमंडल प्रेतमंडल पिशाचमंडल निरासय निरासय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर विषमज्वर माहेश्वर ज्वरान् छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूल पक्षशूल शिरोभ्यंतरशूल गुल्मशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षसकुल परकुल नागकुल विषम नाशय नाशय निर्विषम कुरु कुरु फट स्वाहा। ह्रीं सर्वदुष्टग्रहान् निवारय स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानरमुखाय हन हन पापदृष्टिं षण्डदृष्टिं हन हन हनुमदाज्ञया स्फुर स्फुर स्वाहा। रामचंद्र उवाच हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीचां पातु रक्षोघ्न उत्तरस्याम पारगः उदीचादूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधश्च विष्णु भक्तस्तु
पातु मध्यंच पावनः अवांतर दिश पातु सीता शोक विनाशनः लंका विदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरंतरं सुग्रीव सचिवः पातु मस्तकं वायुनंदनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरंतरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलो कर्णमूले तु पातु श्रीराम किंकरः नासाग्रमञ्जनी सूनुः वक्त्रं पातु हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिंगललोचनः पातु दन्तान् फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यप्राणरत् पातु कंठंच दैत्यारिहि स्कंधौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करोतु चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वं भुजायुधः लंका विभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः लिंगं पातु शिवप्रियः च जानुनी पातु लंका प्रासाद भंजनः जंघे पातु महाबाहुः गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्कर सन्निभः पादान्ते सर्वसत्त्वाढ्यः पातु पादांगुलिस्तथा सर्वांगानि महाशूरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनुमत् कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषः श्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति कालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं सदा सर्वान् रिपुन् क्षणे जित्वा सपुमान् शिवमाप्नुयात् मध्यरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेत्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादि तापत् त्रय निवारणम् अर्कवारेश्वत्थमूले स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलान् श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयी भवेत् यः करे धारये नित्यं स पुमान् श्रियमाप्नुयात् विवाहे दिव्यकाले च द्यूते राजकुले रणे भूतप्रेतमहादुर्गे रणे सागर संप्लवे दशवारं पठेत् रात्रौ मिताहारे चितेन्द्रियः विजयं लभते लोके मानवेषु नराधिपः सिंहव्याघ्रभये चोग्रे शरशस्त्रास्त्रपातने शृङ्खलाबन्धने चैव काराग्रहणकारणे कायस्थं वह्निदाहे क्षेत्रे घोरे सुदारुणे
शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रह विनाशने सर्वदा तु पठिन्नित्यं जयमाप्नोत्य संशयम् भूर्जेवा वसने रक्ते क्षौमेवा तालपत्रके त्रिगंधे नाथ वामश्या लिखित्वा धारयेन्नरः पञ्चसप्तत्रिलोहैर्वा ओपितं कवचं शुभम् गले कट्यां बाहुमूले कंठे शिरसि धारितम् सर्वान् कामान् वाप्नोति सत्यं श्रीराम भाषितम् इति एकमुखी हनुमत् कवचं समाप्तम् ॐ हनुमते नमः।